सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी आर। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। मैंने भी अपना जेई मेंस का एग्जामिनेशन 98.5% से 2020 के अंदर क्रैक किया था और जेई एडवांस में भी एक अच्छी खासी रैंक लेकर आया था। कॉमेड के अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 800 थी और बिट सेट के अंदर अराउंड 310 का कुछ स्कोर था। ठीक है, वीडियो का मतलब जरूर समझना। काफी ज्यादा बच्चे अभी टेंशन में, मैंने लाइव स्ट्रीम ली थी उसके अंदर भी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया जेई 2022 जो होने वाला है हमारा एग्जामिनेशन, ठीक है, हमारी अभी तक कोई तैयारी नहीं है, मेरी 11th क्लास एकदम बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, मेरी 11th क्लास एकदम बर्बाद है और मेरे को अभी से मैं पढ़ना शुरू करता हूं तो क्या मैं जेई मेंस क्लियर कर सकता हूं, मेरी जेई मेंस में अच्छी परसेंटाइल आ सकती है और आपके अकॉर्डिंग डिसेंट परसेंटाइल कितनी और क्या मेरी उतनी आ सकती है, तो इस वीडियो के अंदर वही मैं बता रहा हूं। मेरे अकॉर्डिंग 97% बहुत अच्छी परसेंटाइल हो जाएगी। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ रखा और आप आज से भी तैयारी करते हैं तो क्या आप ये अचीव कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप ये अचीव कर सकते हैं और मैं इस वीडियो के अंदर आपको आज मैथमेटिकली बताऊंगा कि आप ये परसेंटाइल किस तरीके से अचीव कर सकते हैं एकदम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ। मैथ्स वाले हो तो तुमको जरूर समझ में आएगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बिल्कुल एंड तक वीडियो देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। ठीक है, देखो, अगर मैं मानता हूं कि हमारा अप्रैल वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर मार्च के अंदर वर्स्ट केस सिनेरियो में हमारा मार्च में नोटिफिकेशन आ जाता है और हमारा जो एग्जाम है वो अप्रैल के अंदर हो जाता है। ठीक है, अप्रैल में मान के चलता हूं वर्स्ट केस सिनेरियो जो अभी मेरे को दिख रहा है, अप्रैल 17 को अगर मेरा एग्जाम रहता है, ठीक है, तो मेरे पास मार्च के पूरे पूरे 31 डेज बच रहे हैं प्लस मेरे पास लगभग लगभग अप्रैल के 15 दिन बच रहे हैं। ठीक है, अप्रैल के लगभग लगभग मेरे पास कितने बच रहे हैं? 15 दिन बच रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं क्लब कर देता हूं, क्योंकि 16 अप्रैल को बिल्कुल नहीं पढ़ना, 17 से हमारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे, इन दोनों को मैं अगर क्लब कर देता हूं तो मेरे पास टोटल टोटल आ जाते हैं 46 डेज। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज इस वीडियो के थ्रू क्लियर कट बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अभी से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो आपको डेली 9 से 10 घंटे प्लस 3 से 4 घंटे इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना बोर्ड का रिवाइज करेंगे क्योंकि उस टाइम आपका साइमल्टेनियसली बोर्ड भी चल रहा होगा और इसमें आप अपना जेई मेंस का पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों की 11th भी खराब हो गई तो यहाँ पे 4 से 5 घंटे आप 11th को रिवाइज करने में, या फिर बेसिकली अगर 11th नहीं कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप रिविजन कर रहे होंगे प्लस इधर जो 4 से 5 घंटे बच जाएंगे। ठीक है, इधर जो 4 से 5 घंटे बच जाएंगे इधर अपन कोई भी न्यू टॉपिक जो अपन को पढ़ना है वो पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं डेली जोड़ देता हूं तो डेली आप पढ़ रहे हैं कितने घंटे? डेली आप पढ़ रहे हैं 15 घंटे। ठीक है, डेली हमारी स्टडी हो रही है 15 आवर्स की। ठीक है, हमारे पास टोटल बच रहे हैं 46 डेज इंटू अगर मैं 15 कर देता हूं तो हम टोटल पढ़ेंगे 690 आवर्स। ठीक है, एकदम आग लगा के अगर आज से पढ़ेंगे तो हम टोटल पढ़ लेंगे 690 घंटे, 690 घंटे हम आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि ऑन एन एवरेज अगर मेरे को 10 घंटे लग रहे हैं, ऑन एन एवरेज अगर मेरे को कितने घंटे लग रहे हैं? 10 घंटे लग रहे हैं। 10 घंटे कहीं में लग रहे हैं? 1 चैप्टर के अंदर, 1 चैप्टर एज पर जेई लेवल, एज पर जेई मेंस लेवल, एडवांस ही तो नहीं हो पाएगा उसमें टाइम लगता है। जेई मेंस का लेवल अगर मैं मानू तो इसमें मेरे को क्या करना रहेगा? इसमें मेरे को PYQ करने रहेंगे प्लस NCERT करनी रहेगी। ठीक है, PYQ प्लस NCERT प्लस NCERT नहीं तो आपकी जो भी कोचिंग के नोट्स या कोचिंग का स्टडी मटेरियल वो, ये मान के चलो जेई मेंस के लिए इनफ है। और एक चैप्टर को अगर मैं 10 घंटे देता हूं तो टोटल 690/10 मेरे पास आ जाते हैं, 69 चैप्टर्स। ठीक है, टोटल मेरे जेई में कितने चैप्टर्स होते हैं? टोटल मेरे जेई में होते हैं 90 चैप्टर। ठीक है, 30 फिजिक्स के 30 केमिस्ट्री के और 30 मैथ्स के। इसका मैं बोलता हूं कि मेरे को 70% सिलेबस अच्छे से आता है तो मैं अच्छे से जेई निकाल सकता हूं। ठीक है, 70% सिलेबस का मतलब होता है लगभग लगभग 63 चैप्टर्स। ठीक है, कितने चैप्टर होते हैं? लगभग लगभग 63 चैप्टर्स होते हैं और हमने कितने कर लिए? लगभग लगभग 69 या 70 चैप्टर। बोलो हाँ कि ना, हाँ या ना? बिल्कुल सर, आप एकदम सही कह रहे हैं। अगर मैं मान के चलू कि हर चैप्टर का एक क्वेश्चन आता है तो मैंने 280 मार्क्स की प्रिपरेशन कर ली। चलो मान लो कुछ चैप्टर से क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो मैं मान लेता हूं कि ऐसे 20 चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैंने जो 20 चैप्टर पढ़े वो यूजलेस पढ़े तो भी मैं हर हाल में 200 मार्क्स लेकर आ जाऊंगा। अगर मैं यहां से -80 कर देता हूं जो मेरे 20 चैप्टर की कैलकुलेशन है, मैंने हर चैप्टर से एक सवाल लिया 4 नंबर का, तो 280 मार्क्स का पेपर हो गया। मान लो सर मैंने जो
20 चैप्टर यहाँ पे पढ़े ना वो यूजलेस थे, ठीक है, यूजलेस थे। 50 चैप्टर तो यूज के थे, ठीक है, मान लो 20 चैप्टर यूजलेस मतलब उनसे क्वेश्चन नहीं आया, तो 50 चैप्टर में से क्वेश्चन आए तो मेरे पास कितने मार्क्स हो गए, 200 मार्क्स। 200 मार्क्स में मैं गारंटी दे सकता हूँ, हद से हद मतलब इजी से इजी शिफ्ट में या हार्ड से हार्ड शिफ्ट में भी आपकी 98% आराम से आ जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चे ये पूछते थे कि भैया अभी भी अभी से पढ़ूंगा तो भी जेई क्लियर हो सकता है क्या, मैंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, तो मेरा उनको बिल्कुल आंसर है कि यस, आप अभी से पढ़ेंगे एकदम आग लगा करके तो जेई मेन्स आपका क्लियर हो सकता है और आप एक अच्छी एनआईटी कहीं ना कहीं पा जा सकते हैं। और अगर एक अच्छी एनआईटी आप स्कोर सिक्योर कर लेते हैं तो उसके बाद की लाइफ आपकी एकदम टोटली चेंज हो जाएगी, बिल्कुल आप मेरी बात का विश्वास करिए। और अभी भी हमारे पास टाइम है दोस्त, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर अभी भी हम पढ़ते हैं तो आसानी से 70 चैप्टर निपटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी पूरे पूरे डेढ़ महीना बच रहा है, डेढ़ महीने के अंदर हम काफी कुछ अचीव कर सकते हैं, एक अच्छी एनआईटी के अंदर सीट पा सकते हैं, ठीक है। और अभी रिजल्ट आया ही नहीं है, ठीक है, अभी रिजल्ट आया ही नहीं है तो आप अभी से अपने आप को ऐसे क्यों मान रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आपने अपना कैलिबर खुद से जज कर लिया कि मैं नहीं कर सकता, अरे भाई वो तो रिजल्ट डिसाइड करेगा ना। तो रिजल्ट नहीं आया जब तक तो हम मेहनत कर सकते हैं और जब तक हमको हमारा 100% देना है। तो आज के बाद कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कि भैया क्या मैं अभी से पढ़ू तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, आंसर इज यस, हो सकता है। और मैंने पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके तुमको बताइए, पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इस वीडियो के अंदर मैंने बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।